नमस्कार, मुझे मिश्रा के साथ आप देख रहे न्यूज आज बढ़ते हैं आज की खास खबर की। कोरोना वायरस की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सभी को चिंतित कर दिया है। इस बीच शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने वाले असली इंजेक्शन के नाम पर बिक रहे नकली इंजेक्शन का भंडाफोड़ अन्य एवं औषधि प्रशासन मुंबई के खुफिया विभाग ने पिछले दिनों किया था। कोरोना वायरस का अधिक नुकसान उन लोगों को हो रहा है जिनको इम्यूनिटी सिस्टम काफी कमजोर है। ऐसे में इसका फायदा उठाकर कुछ लोग जमकर फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं। शरीर के प्राकृतिक इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल में आने वाली ग्लोब्यूसर इंजेक्शन के नाम पर नकली इंजेक्शन बेचने का भंडाफोड़ पिछले दिनों एफडीए के खुफिया विभाग यूनिट ने जलगांव में की गई कार्रवाई में किया था। जलगांव के घाटी कॉम्प्लेक्स में स्थित मेसर्स जोगेश्वरी फार्मा पर छापेमारी में वहां से नकली इंजेक्शन की 220 वायल्स के अलावा अन्य दवाइयां भी जब्त की गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि यह सभी इंजेक्शन चंडीगढ़ से आयात किए जाते हैं। इन सभी इंजेक्शन की उत्पादक कंपनी मेसर्स एंडास फार्मास्यूटिकल की शिकायत पर इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया था। एफडीए ने बाजारों में बिक रही इन सभी नकली इंजेक्शन को जब्त करने की कार्रवाई जारी रखी है। अब इस नकली इंजेक्शन को लेकर एफडीए ने मुंबई सहित राज्य की सभी छोटे बड़े अस्पतालों को और दवा विक्रेताओं को अलर्ट किया है। एफडीए के आयुक्त परिमल सिंह ने सभी अस्पतालों व दवा विक्रेताओं को सूचित किया कि उनके पास आयात होने वाली सभी ग्लोब्यूसर इंजेक्शन के सभी कागजों को परख ले। दस्तावेज पर शंका होते ही स्थानीय एफडीए कार्यालय या फिर टोल फ्री नंबर 1800-222-3650 पर सूचित करें। तो ये थी आज की खास खबर। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।